ये अपनी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। और एलिमिनेशन रिएक्शन के कितने टाइप थे? दो टाइप। दो टाइप में से पहला टाइप कौन सा था? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में इंटरमीडिएट के रूप में किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होने की वजह से डिफरेंट एल्कोहलों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही होता है जो कार्बो कैटायनों की स्टेबिलिटी का होता है। अगर आप तो देखो एक चीज सीखो अपने दिमाग में कि अगर रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बो कैटायन बनेगा तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि वो जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा कंप्लीट होगी? उस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होगी रिएक्टेंट की वो किस पर डिपेंड करेगी? कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी पर। अब देखो SN1 रिएक्शन में क्या बना था? कार्बो कैटायन बना था। तो SN1 रिएक्शन में अगर कार्बो कैटायन बना था तो वहां पर भी ऑर्डर क्या था? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और SN2 में इसका उल्टा कर दो, यहाँ कार्बो कैटायन बन रहा है तो वही 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो कंसेप्ट क्या है कि कार्बो कैटायन की प्रॉपर्टी है, कार्बो कैटायन का ये नेचर है कि कार्बो कैटायन को जब मौका मिलता है ना, चांस मिलता है, चांस नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जब चांस मिलता है तो ये चांस मिलने के बाद लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चेंज हो जाता है। केवल कार्बो कैटायन में, और किसी में नहीं है ये नेचर। जब कार्बो कैटायन को मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो इट विल बी चेंज इनटू लेस स्टेबल कार्बो कैटायन टू मोर स्टेबल कार्बो कैटायन। देखो मैं इसको समझाता हूँ कैसे। कार्बो कैटायन का नेचर होता है कि अगर इसे मौका मिले, इसे चांस मिले, तो इट विल बी चेंज फ्रॉम लेस स्टेबल कार्बो कैटायन टू मोर स्टेबल कार्बो कैटायन। जैसे अगर मेरे पास 2 डिग्री कार्बो कैटायन है और इसे चांस मिल गया तो किसमें चेंज हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बो कैटायन में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1-butanol, CH3 CH2 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 OH। मैंने ले लिया 1-butanol और 1-butanol पर मैंने किसकी रिएक्शन कराई? मैंने 1-butanol को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जैसे ही हीट करूंगा तो यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 CH2 CH2 और CH3। और CH2 पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन दिस कंडीशन पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन, सो इट इज अ 1 डिग्री कार्बो कैटायन। ये कौन सा कार्बो कैटायन बन गया? 1 डिग्री कार्बो कैटायन बन गया। क्यों बन गया 1 डिग्री कार्बो कैटायन? क्योंकि इस कंडीशन में क्या है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इज अटैच्ड विद अनदर ओनली वन कार्बन, तो मेरा क्या बन गया? 1 डिग्री कार्बो कैटायन। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो अब इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पड़ोसी पर रख के देखो, अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करो। इमेजिनेशन पावर मतलब कल्पना शक्ति, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करो, इमेजिनेशन का यूज करो, और इमेजिनेशन को यूज करके इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेकर आओ। ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर था तब तो बना 1 डिग्री कार्बो कैटायन, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा तो कौन सा कार्बो कैटायन बनेगा? 2 डिग्री कार्बो कैटायन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कार्बन एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दो से हो गया तो एक कौन सा बन गया आपका? 2 डिग्री कार्बो कैटायन। क्लियर है यहां तक की बात? इसका मतलब देखो बेटा अब क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना, रीअरेंजमेंट होगा और इस एच को मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरीके से। और देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे दो कंडीशन आती है। दो कंडीशन क्या है? एक कंडीशन तो यही है 1 डिग्री कार्बो कैटायन वाली। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं? यहाँ पर, यहाँ पर आता है H नेगेटिव, और ये H नेगेटिव किससे जुड़ जाता है? CH2 पॉजिटिव से, तो क्या बन जाएगा? CH3। मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा से सुनो, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बो कैटायन। और ये केवल एक से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या बोला है? 1 डिग्री कार्बो कैटायन। अब 1 डिग्री कार्बो कैटायन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मतलब इमेजिनेशन को यूज करते हुए बेटा उस पॉजिटिव को इस कार्बन पर लेकर जाओ। मैं लेकर चला गया इस पॉजिटिव को, तो यहाँ पर गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कितने जुड़ा हुआ है? 2 से। तो ये कैसा कार्बो कैटायन है? 2 डिग्री कार्बो कैटायन। अब 2 डिग्री कार्बो कैटायन इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री कार्बो कैटायन, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, मौके को नहीं छोड़ेगा ये, और जब मौके को नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ से एच नेगेटिव निकलेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH।
यहाँ तक कि बस 1 डिग्री कार्बोकैटायन से कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो फिर से अपना दिमाग से इमेजिनेशन लगाओ, और पूरी क्लास में आगे में तभी बढ़ूंगा ना, मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आंसर मिलेंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि पहले से 1 डिग्री कार्बोकैटायन और कौन सा बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब अपनी इमेजिनेशन पावर से इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेकर जाओ और मुझे आंसर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एरो का साइन लगा रहा हूँ, लेकर मत जाना रियलिटी में, केवल अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करो और जिस कार्बन पर मैंने एरो का साइन लगाया वहां पर पॉजिटिव चार्ज लेकर जाओ तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों आंसर दो बेटा, इस कंडीशन में अगर मैं इस एरो वाले साइन पर पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊं तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा। वेरी गुड विशाल, 2 डिग्री बनेगा। देवयानी, राजेश, विनायक, अरुण सिंह, 2 डिग्री, राजेश, वेरी गुड। और देवयानी रिप्लाई करो बेटा, अरुण सिंह, 2 डिग्री, वेरी गुड अरुण। कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, आप सबका आंसर सही है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, 2 डिग्री बनेगा, ओके विनायक, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका ठीक है, पहले भी 2 डिग्री बना हुआ था, अब भी 2 डिग्री बना है, तो आप मुझे बताओ रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो मुझे आंसर दो, पहले भी 2 डिग्री था और अब भी 2 डिग्री बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। कंसेप्ट दे रहा हूँ, रीअरेंजमेंट तभी होगा जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनता है। विशाल द्वारा सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका आंसर पहले सही था कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन पहले था और 2 डिग्री बाद में बन रहा है, और रीअरेंजमेंट जब होता है जब लेस स्टेबल से क्या होगा, मोर स्टेबल बनेगा। क्या 2 डिग्री से 2 डिग्री में जाने पर स्टेबिलिटी चेंज होगी, बताओ बेटा रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगी, वेरी गुड, नो देवानी, वेरी गुड, नहीं होगा भाई। रीअरेंजमेंट तभी होगा बेटाओ जब उसको लेस स्टेबल से किस में जाने का मौका मिलेगा, मोर स्टेबल में, राजेश वेरी गुड, सबका आंसर सही है। इसका मतलब अब यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोर्ड पर लिख दिया था कि रीअरेंजमेंट विल बी अकर्स व्हेन व्हेन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म। पहले भी 2 डिग्री है बाद में 2 डिग्री है तो वो ऐसा काम क्यों करेगा, वो अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों करेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। देखो बेटा इसका मतलब एक तो ये बन गया, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। एक मैं इसी को लिख लेता हूँ दोबारा से, CH3 CH2, सिंगल बॉन्ड CH और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब बेटा ज्यादा कौन सी अमाउंट बनेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा किसके, 2 डिग्री की है 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वो बनेगा भी ज्यादा अमाउंट में बनेगा। जब ये ज्यादा अमाउंट बनेगा तो यहाँ से अब एक हाइड्रोजन निकलेगी, देखो हाइड्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ से एच पॉजिटिव निकलेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर कैसा बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गई बेटा 2-butene। और यहां पर क्या होगा बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, या नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये बन गई आपकी 1-butene। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो 1-butene और एक 2-butene। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये वाला प्रोडक्ट जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से बना है वो तो होता है 2-butene, मेजर प्रोडक्ट होगा, और जबकि 1-butene कितना होगा, लेस स्टेबल होगा, केवल कितने परसेंट बनेगा, 20%। भाई जो लेस स्टेबल से बनेगा वो लेस बनेगा और जो मोर से बनेगा वो मोर से बनेगा। मुझे बताओ, मुझे बताओ ऊपर ये वाला प्रोडक्ट कितने परसेंट बन रहा है, 80% बन रहा है, और ये वाला प्रोडक्ट कितने परसेंट बन रहा है, 20% बन रहा है। 2-butene 80% बन रही है और 1-butene 20% बन रही है। बताओ समझ में आ गया है नहीं आ गया, सर नीचे नहीं दिख रहा, ऊपर लिख दिया है बेटा, ऊपर लिख दिया है गुड़िया, 2-butene के ऊपर लिख दिया 80% बन रहा है और 1-butene के ऊपर विशाल बेटा 20%, ठीक है। आप मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, रिप्लाई मी यस और नो, आ गया सर, थैंक यू अरुण, और रिस्पॉन्स करो बेटा, यस सर, राजेश, विशाल, देवयानी, विनायक, ठीक है, यस सर, ओके, थैंक यू सभी के लिए, आप सबको समझ में आ गया, ठीक है।
इसका मतलब बेटा, अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा देता हूँ मैं आपको, लगे हाथ। एक साइंटिस्ट हुआ है, उस साइंटिस्ट का नाम था सेचेव। क्या कहा? सेचेव। सेचेव ने कहा जब किसी रिएक्शन में, सेचेव ने क्या कहा कि जब किसी रिएक्शन में दो टाइप की, देखो थोड़ा सा मैं इसको एक सेकंड सेट करता हूँ, अब दिखाई दे रहा है बेटा नीचे वाला। सेचेव ने कहा कि जब किसी रिएक्शन में दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं और दो टाइप की एल्कीन बन रही है, ठीक है, तो अगर दो टाइप की एल्कीन बन रही है तो दो टाइप की एल्कीन बनने में कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी और कौन सी एल्कीन माइनर बनेगी, इसको कैसे पता लगाया जाता है कन्हैया? हो बेटा, हो देखो, आप डबल बॉन्ड पर अपनी मार्कर को रख दो, मैंने चौक रख दी, और इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े हुए ग्रुप देखो, इस कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस डबल बॉन्ड पर मैंने अपने मार्कर रखा, चौक रखी, और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आगे कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो सेचेव ने कहा कि अगर किसी रिएक्शन में दो टाइप की एल्कीन बनती है तो वो वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर किसी एल्कीन में दो टाइप की, अगर किसी रिएक्शन में दो टाइप की एल्कीन बनती है तो सर कैमरा ज्यादा नीचे हो गया बेटा, ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद ऊपर कर दूंगा, ठीक है। आप केवल नीचे वाला देखो, नीचे वाला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? विनायक रिप्लाई, नीचे वाला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? नीचे वाले फोकस करो केवल, यस ओके बेटा विनायक, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अगर किसी रिएक्शन में दो टाइप की एल्कीन बन रही है, जैसे बोर्ड पर जो रिएक्शन लिखी हुई है इसमें दो टाइप की रिएक्शन बन रही है, एक तो बन रही है आपकी 1-ब्यूटीन और एक बन रही है 2-ब्यूटीन, तो सेचेव ने कहा कि वो एल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगी जिस एल्कीन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। 80% वाले में आप क्या करो, डबल बॉन्ड के ऊपर मैंने अपना पेन रख दो, और डबल बॉन्ड पे अपना पेन रखने के बाद देखो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो पहले जिस पे 80% लिखा हुआ है उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक्स्ट्रा दो कार्बन, जबकि बेटा 1-ब्यूटीन में कितने जुड़े हुए हैं? एक कार्बन डायरेक्टली। तो उसने कहा कि वो वाली एल्कीन बनती है जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है, इसीलिए पहले वाली एल्कीन कितने परसेंट बनी? 80%, और दूसरे वाली एल्कीन कितनी बनी? 20%, ठीक है। आ गया समझ में बेटा? रिप्लाई करो यस या नो में। बेटा रिप्लाई करो यस। विनायक थैंक यू, देवयानी यस, ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड, आ गया समझ में? तो यस राजेश, ठीक है बेटा, समझ में आ गया बात। कौन सा बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट तो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा, और किसके रूल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेचेव रूल, ठीक है। ये आपका हो गया पहली टाइप की रिएक्शन एलिमिनेशन में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, और 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, उसमें रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बनाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है CH3, CH2, CH, CH2OH, आपको प्रोडक्ट बना के देना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में से अगर हीट करेंगे देन व्हाट इज द प्रोडक्ट?
सॉरी सॉरी मैंने पढ़े नहीं मैसेज, अब दिखाई दे रहा है ऊपर का, कोई बात नहीं अब टाइम ले लो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन जो लिखा है इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है आपको। ठीक है, अब तो दिख रहा है बेटा, रिप्लाई करो यस या नो में। ओके बेटा, ओके वैशाली विशाल, ओके राजेश थैंक यू। ना देखो एक बार आप चेक करो, अब ट्राई करो ना, रीअरेंजमेंट होगा इसमें, और रीअरेंजमेंट तभी होगा। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रो, देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको मैं समझाता हूँ एक बार, आप देखो समझना बेटा कि क्या होगा। सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो यहाँ से OH को निकाल दो, और OH को निकाल दूंगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा, इधर देखो इस OH को निकाल दूंगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अपने दिमाग में इमेजिनेशन लाओ और इमेजिनेशन लाकर मुझे बताओ कि कौन सा कार्बोकैटायन बनाए, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन अगर इस कार्बोकैटायन को मैं उठाकर, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब अगर मैं इस कार्बोकैटायन को उठाकर यहां से यहां पर ले आऊं, इस कार्बोकैटायन को उठाकर यहां से यहां ले आऊं, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, कितने कार्बन जुड़ जाएगा, 1 2 3, तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और आप सबको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री कार्बोकैटायन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखो क्या होगा, देखो थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक लिखता हूँ, H ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, H पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2 कार्बन। ठीक है बेटा, कार्बन कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और ये CH2 पॉजिटिव से एक H नेगेटिव जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3। बेटा कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर है यहां तक की बात। अब अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करो और अपनी इमेजिनेशन पावर से इस पॉजिटिव को यहां पर लेकर आओ, यहां पर लाएंगे तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री, यहां पर भी लाएंगे तो भी 1 डिग्री, और यहां पर लाएंगे तो 2 डिग्री, यहां पर लाएंगे कौन सा, 2 डिग्री। तो मुझे बताओ यहां से यहां पर रीअरेंजमेंट होगा या नहीं, यस और नो में रिप्लाई करो। नो देवयानी, वेरी गुड, समझ में आ गई बात, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इन दिस कंडीशन रीअरेंजमेंट शुड नॉट बी टेक्स प्लेस, रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी और यहीं पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है, नहीं होगा, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं अब, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको करना है और उसमें आपको रीअरेंजमेंट करके दिखाना है कि रीअरेंजमेंट कैसे होगा, और उसका आगे का मैं बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा। ये लो, इस क्वेश्चन को करो और दिमाग लगाओ। नहीं होगा विशाल, ठीक है अरुण, ठीक है देवयानी, वेरी गुड, सबका ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करके ट्राई करो। मान लो वही है, वही है रिएजेंट बेटा, अगर पूछो तो वही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंट में हीट कर रहे हैं, डायरेक्टली करो आप। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आपको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाना आया है कि नहीं आया।
बेटा हो गया कंप्लीट या मैं बनाना स्टार्ट करूं? देखो मैं बताता हूं इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये वही सबसे पहले OH को निकाल दो और OH को निकाल कर यहां पर कैसा चार्ज ले आओ, पॉजिटिव। कौन सा कार्बो कैटायन बन गया? 2 डिग्री कार्बो कैटायन, क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर है। अब अगर 2 डिग्री से अगला कार्बो कैटायन बनने की चांस हो तो फिर इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस रिंग में टोटल कितने कार्बन है? देयर शुड बी 4 कार्बन आर प्रेजेंट इन द रिंग एंड रिंग एक्सपेंशन शुड बी डोमिनेंट। रिंग का क्या होगा बेटा? एक्सपेंशन होगा। और रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है बेटा, अगर 4 कार्बन की रिंग से 5 कार्बन की रिंग बन जाए तो बड़ी रिंग में, बड़ी रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इस कंडीशन में क्या होती है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो देखो क्या कंडीशन आएगी, अभी तो ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड टूट गया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, रिंग में कितने कार्बन होगा? 1 2 3 4 5। रिंग में 5 कार्बन हो गए, एक ये लग रहा है और ये डंडा सा लग रहा है, उसके बगल में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो 4 कार्बन की रिंग से कौन सी स्टेबल है? 5 कार्बन की रिंग स्टेबल है, तो इसका फॉर्मेशन होगा, इसका निर्माण होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस या नो? इससे ज्यादा बड़ा एग्जांपल आपके पेपर में नहीं आएगा, वैसे तो ये भी नहीं आएगा। IIT वगैरह लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, फिर भी अगर पूछा जाए तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है बेटा, दैट्स इट, क्लियर कंप्लीट। कल करते हैं, कल तो संडे है, ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा। We have discussed on Monday.